दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस से जो पूरी दुनिया लड़ रही है, उभरने की कोशिश कर रही है, हमारा देश भी कर रहा है, उसे जिस तरह से हम वैश्विक मीडिया में देखते हैं, अपने देश का मीडिया भी देखते हैं, तो उसमें जिस तरह से चीजें, जिस तरह से खबरें आती हैं, अगर महत्वपूर्ण खबरें आती हैं दूर दराज के इलाकों से, समाज से, तो उनका, उन खबरों का सरकारों पर बहुत असर पड़ता है और सरकारें उसके मुतल्लिक कदम उठाती हैं। लेकिन हमारे देश का जो मीडिया का एक डोमिनेंट हिस्सा टेलीविजन चैनल्स है, उनमें पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं ऑल ऑफ सडन, जो पहले लगातार रही हैं, लेकिन जब से COVID-19 का प्रकोप हुआ दुनिया में, तब से थोड़ा सा थमा हुआ था। फिर वही हिंदू मुसलमान जहरीला प्रचार, एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोने की जो पूरी की पूरी कोशिश, वो टेलीविजन चैनलों में खास तक दिखाई देने लगी है। हिंदी के बड़े अखबारों में भी भरी पड़ी है, और इससे केवल हिंदी नहीं, अंग्रेजी, हिंदी, सब स्थितियां लगभग एक जैसी हैं, कुछ एक को छोड़कर। ये बहुत ही हैरतअंगेज है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स एक जहरीले प्रचार से लबालब है। क्या कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात जो है, उसने जो निजामुद्दीन जो दिल्ली में है, उसमें जो उसका मुख्यालय है, जो वहां पर उसने आयोजन किया धार्मिक समागम, वहां पर जिहादी आ गए थे, कोरोना जिहादी। यह तक कहा गया है कि वो कोरोना जिहादी थे, यानी कोरोना लेकर आए थे लोगों को, हिंदू, भारत के लोगों को मारने के लिए। कैसी बात है, 100 साल पुराना इतिहास इस जमात का है, और इससे राजनीतिक रूप से, इसकी दार्शनिकता से, इसकी धार्मिकता से किसी का भी मतभेद हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन इसका इस तरह की चीजों में कोई रोल कभी भारत सरकार ने कम से कम नहीं पाया, कम से कम रिपोर्ट मीडिया में कभी नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मरकज में ये जो बदमाश लोग थे, ये छुपे हुए थे, और जब वो फंसते हैं किसी मंदिर में, श्रद्धालु हमारे, तो वो कहते हैं कि लोग फंसे हुए हैं, सरकार उनको मुक्त कराए। ये क्या भाषा है? यकीनन जो तबलीगी जमात है उससे गलतियां हुई हैं, मैं मानता हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पर। उनका अगर आयोजन खत्म हो गया 16 से पहले, तो 16 और 24 के बीच में 7-8 दिन उनको टाइम मिलता है। इसमें वो चाहते तो 1500 लोग पहले जा चुके थे, उनके 1200 लोगों को भी भेजने का वो तेजी से इंतजाम करते, सरकारों से बार बार अप्रोच करते। अगर सरकारें नहीं रिस्पॉन्ड कर रही थी स्टेट और सेंटर की, तो वो मीडिया में भी अपनी बात कह सकते थे, लेकिन ये सब दिखाई नहीं पड़ा कम से कम, या अगर हुआ होगा पर्दे के पीछे से, तो उनको खुल के सामने आना चाहिए। हालांकि उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें कहा है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो बता रहे हैं वो 24 के बाद की शुरुआत है, 24 के बाद वो पहल होती है। मेरा ये कहना है कि 16 से 24 के बीच में जो पहल होनी चाहिए थी, वो शायद उन्होंने नहीं की। अब उनका कहना है कि साहब इस बीच में जनता कर्फ्यू आ गया, फिर इसके बाद लॉकडाउन हो गया, ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, उनके पास कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लोगों को जबरन बाहर करते। तो ये उनका कहना है, ये दलील उनकी है, और उनका कहना है कि थाने को लिखा गया, प्रशासन से मांगा गया, गाड़ियों के नंबर दिए गए, लेकिन उनको लाइसेंस, उनको परमिशन नहीं मिली। बहरहाल हमारा बस ये कहना है कि जितनी जिम्मेदारी उनकी है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी, उनसे ज्यादा कसूर अगर किसी का है, तो हमारे तंत्र का है। क्या राजधानी में बैठे किसी मरकज में अगर 11-12 लोग फंसे हुए हैं, या वो जबरन नहीं जा रहे हैं किन्हीं कारणों से, अगर उनको लगता है कि समय जाना ठीक नहीं होगा, तो क्या ये प्रशासन की, प्रशासनिक एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनको जाने का, निकालने का प्रबंध किया जाए? हम अगर वुहान में भेज करके जहाज लोगों को वापस करा सकते हैं, हम अमेरिका में भेज कर स्पेशल फ्लाइट्स करके, चार्टर फ्लाइट्स करके हम मंगा सकते हैं लोगों को, मेडागास्कर से मंगा सकते हैं, तो यहां से लोगों को कश्मीर या कर्नाटक या बेंगलुरु क्यों नहीं भेज सकते? तो ये मुझे लगता है प्रशासन की चूक है। और हमें तो आश्चर्य हो रहा है,
लोग कहते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। अरे भाई, भारत की इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? उसने केंद्र को और राज्य को क्यों नहीं बताया कि निजामुद्दीन के बिल्कुल थाने के बगल में एक मरकज है और वहां पर इतने लोग हैं इकट्ठा और उनमें ये स्थिति पैदा हो रही है, उनमें बीमारी की शंका पैदा हो रही है, और थाना क्या करता रहा? थाना सिर्फ चिट्ठी लिखता रहा 24 से, इसके पहले वो क्या करता रहा? तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए एक तरह से मौका मिल गया है कि तबलीगी जमात ने यह सारा खेल किया, ये है वो है, और मीडिया के दुष्प्रचार जहरीले कवरेज का एक तरह से सहारा मिल गया है स्टेट को, ऐसा लगता है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है दोस्तों। ये जो खुराफाती दिमाग है ना, ये भारत को चैन से नहीं रहने देगा, ये समाज को तरक्की पर नहीं ले जाएगा। दुनिया में मौत का साया मर रहा है और हम नफरत का इस तरह का जहरीला धुआंधार बवंडर मचा रहे हैं। ये क्या है? इससे किसको फायदा मिल रहा है? केवल उनको टारगेट करना, जैसे एक समय हुआ है कि मजदूरों को टारगेट किया गया कि ये मजदूर बाहर आ गए, इनको वहीं रुक जाना चाहिए था। अरे भाई, वहां कैसे रुकते? उनके मालिकों ने फैक्ट्री बंद कर दी, उनके मालिकों ने तनख्वाह नहीं दी, उनके मालिकों ने रहने की जगह तक छीन ली, जहां खासकर वो इस तरह की झुग्गियों में रहते थे या इस फैक्ट्री के आसपास या काम के आसपास कहीं रहते थे। मकान मालिक जो प्राइवेट थे, उन्होंने भी घर से निकलने को कह दिया। वो क्या करते? कोई भी आदमी, आपने अगर पूरे देश में इसका इंतजाम किया होता पहले से कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, सबको बाहर निकालना है, उसके लिए क्या प्रबंध किए जाए? आपने राज्यों से भी संपर्क नहीं किया, राज्यों को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, मुख्यमंत्रियों को भी नहीं पता था कि आज से लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये मजदूरों को पहले टारगेट किया और बाद में एक मरकज मिल गया, एक एक जमात के लोग मिल गए। अरे, उनसे गलतियां हुई, ठीक है, लेकिन उनको जहरीला प्रचार का शिकार बनाना, उनको टेररिस्ट बताना, ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक नासमझी है और देश के एक विरुद्ध अभियान जैसा है। मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि वो उन्होंने क्यों किया, भारत सरकार ने परमिशन क्यों दी? अगर वो 16 देशों से आए हुए उसमें लोग थे, क्यों वीजा मिला, टूरिस्ट वीजा आप कैंसिल कर देते? लेकिन यहां तो स्वयं ही सिलसिला चल रहा था, हमारे देश में फरवरी महीने में भी बहुत कुछ हो रहा था। 13 मार्च तक तो अपने देश में कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ही नहीं है, और आपको याद होगा कि 30 जनवरी को डिटेक्ट हो चुका था पहला पॉजिटिव जो मरीज है कोरोना का, वो केरल में, और वो वुहान से आई एक लड़की थी जो मेडिकल की छात्रा थी, और वो केरल के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से आज तंदुरुस्त होकर के अपने घर में रह रही है। तो आप अपनी विफलताओं को क्यों छुपा रहे हैं? यही मैं कहता हूं कि मीडिया का काम सच लिखना है। उस समय तक 19 मार्च को पहली बार पीएम ने देश को बताया था कि भाई, देश गहरे संकट में फंस गया है, जनता कर्फ्यू फिर आया, 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हो गया, ट्रेनें बंद हो गई ऑल ऑफ सडन, डोमेस्टिक फ्लाइट्स बाद में बंद हुई, पहले इंटरनेशनल फ्लाइट जो सबसे पहले बंद करना चाहिए था वो भी आप जानते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो भी देर से बंद हुई। तो ये कुछ डेट्स जो है, याद रखिए इस क्रोनोलॉजी को, कि 16 मार्च से 23 मार्च तक भारत में धार्मिक और राजनीतिक न जाने कितने आयोजन होते रहे। हमारे देश की जो सबसे बड़ी संस्था है डेमोक्रेसी की, वो चलती रही 23 मार्च तक, संसद 23 मार्च को एक सूबे में हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी के दौर में शपथ ग्रहण हुआ, राज्य सरकार की उल्टा पलटी हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं पूजा अर्चना करने गए, और वो भी तब गए लॉकडाउन की स्थिति में, वो अयोध्या में। तो आप क्या, आप शनि सिंगना मंदिर खुला रहा बहुत दिनों तक, 16-17 तक, और मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर वो भी 16-17 तक खुला रहा, 18 तक वैष्णो देवी खुला रहा, 20 तक विश्वनाथ मंदिर, 19-20 तक खुला रहा। तो मेरा ये कहना है कि ये जब चीजें होती रही, आप सिर्फ ये क्यों कह सकते हैं कि निजामुद्दीन में उस मरकज में यहां क्यों लोग आए थे धार्मिक समागम करने, उन्होंने पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? अगर देश में पहले से ये माहौल बना दिया गया होता शासन की तरफ से कि कोई समारोह नहीं किया जाएगा, नहीं होता। हाँ, दिल्ली में राज्य सरकार ने जरूर कहा था कि 50 से अधिक गैदरिंग ना हो, और वो निश्चित रूप से रिपोर्ट होना चाहिए था जिससे कि ये सारा सिलसिला बंद किया जा सके। देखिए, माफ कीजिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोरोना से जो फाइट है, कोरोना से जो लड़ाई है, उसमें हमें करुणा के साथ, करुणा से हमें इसको जीतना होगा, गरीबों के प्रति करुणा दिखानी होगी, कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति करुणा दिखानी होगी। हम तो कहते हैं पूरे समाज के साथ करुणा हो,
अगर किसी कॉलोनी में कोई अगर मरीज मिलता है, सुना है लोगों के बारे में कि लोग कहते हैं मत आओ यहाँ, बाहर जाओ। एयरलाइंस की नर्स जो चल रही थी तब उस समय वहाँ के लोगों को कह रहे थे लोग, डॉक्टरों के बारे में इस तरह का बिहेवियर दिखाया रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, किस करुणा की बात हम करते हैं, हम बुद्ध के देश के लोग हैं। तो इसलिए मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, मीडिया को जरूर ये मैं अपील करूँगा मीडिया से, खासकर टेलीविजन चैनलों से, कि सोचिए अपने बारे में, इस देश के बारे में सोचिए, समाज के बारे में सोचिए। लोगों की गलतियां हो सकती हैं, लोगों को एक तरफा टारगेट करना बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ी महामारी है, ये वैश्विक आपदा है। इस पैंडेमिक में मैं समझता हूं कि आपको जरूर अपने तमाम जो दिमागों में भरा जहर है उसको बाहर कर देना चाहिए। करुणा की जीत होगी, मनुष्यता की जीत होगी। इसलिए मनुष्यता का तकाजा है, इस देश की आवाम का तकाजा है, उसके उसके इंटरेस्ट का तकाजा है कि आप मजदूरों को, गरीबों को, साधारण लोगों को, माइनॉरिटीज को, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, किसी को भी आप निशाना मत बनाइए। आप सच बोलिए, सूचना दीजिए। सही सूचना से सरकार को भी सबक मिलेगा, सरकार को भी सीख मिलेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सूचना में बहुत बड़ी ताकत है, उसके जरिए हमारे समाज को बेहतर दिशा पर लाने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।